हल्द्वानी में पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट की हत्या के मामले में किच्छा के रहने वाले अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया। 3 नवंबर को मुखानी थाना क्षेत्र के कालिका कॉलोनी में रहने वाले पुलिसकर्मी शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट की अशरफ उर्फ भूरा नाम के व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद वह फरार हो गया था। मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने को लेकर पुलिस के ऊपर काफी दबाव था। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की कई सारी टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। डीआईजी निलेश आनंद भंडी ने आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अशरफ उर्फ भूरा ने शंकर बिष्ट के घर में पहले वेल्डिंग का काम कर चुका है, इसलिए लूट की योजना बनाकर 3 नवंबर की सुबह 11:30 बजे घर में घुस गया, जिसके बाद इसके द्वारा नीचे कमरे से लेकर 2 मंजिल के कमरे में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मृतका ममता बिष्ट हत्यारे को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने उसको घर में आने दिया। इस बात का फायदा उठाकर हत्यारे अशरफ उर्फ भूरा ने ममता बिष्ट की हत्या की और घर में रखे सोने के आभूषण चोरी किए, जिसके बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ये मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा जो है एक अभियुक्त, पुलिस ने जो है ये जो हमारा सिपाही था शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी की जो 3 तारीख को हत्या हो गई थी मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत, पुलिस ने आज जो है इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें जो है मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा ये रहने वाला जो है ये सुनेरी किच्छा का है, तो इसको अरेस्ट कर पुलिस ने इसके पास से घटना में प्रयुक्त जो है आला कत्ल और जितना भी जो सोना गया हुआ था लगभग 3 लाख उसका, वो सारा बरामद कर लिया है। और उसकी मोटरसाइकिल, जूते, कपड़े तो सारी 100% रिकवरी है। एक अच्छी घटना का जो है पुलिस ने रात दिन मेहनत करके जो है इसमें लगभग 500,000 के करीब पुलिस ने जो है इसमें सीसीटीवी कैमरे इसमें देखे हैं। इसमें हमारी 4 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने एक अच्छा जो है एक टेक्निकल और फील्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है ये घटना का खुलासा, एक चैलेंजिंग घटना थी पुलिस के लिए, जिसमें दिन रात एक करके जो है 2-3 दिन के अंदर ही पुलिस ने जो है इस घटना का खुलासा किया है। इस टीम के बेहतरीन कार्य के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो है 1 लाख का इनाम दिया गया है, मेरे द्वारा भी जो है इसमें 50,000 का इनाम दिया गया है। और जो है इसमें एक पुलिस के लिए एक बड़ी जो ये घटना थी, इसका खुलासा पुलिस ने किया है।